गुड मॉर्निंग बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट एंड द क्राउडिंग इन। अब लेकिन इसके पहले कि मैं आपको स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, सो दैट कि आपके और भी दोस्त जो हैं इन कंसेप्ट्स को, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का आप कहते हैं कि नहीं कि डीपर कंसेप्ट है जो जनरली आपको क्लासेस में नहीं मिलती है, वो मैं आपको बताने वाला हूं और आपके दोस्त भी उसको क्या कहते हैं उसको समझ पाए, उसको सीख पाए और उससे आपको बेनिफिट हो पाए बेसिकली। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले होता है क्राउडिंग आउट क्या होता है बेसिकली। तो क्राउडिंग आउट आप हमेशा देखते हैं कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्राउडिंग आउट क्या होता है, क्राउडिंग इन क्या होता है। क्राउडिंग आउट इज नथिंग बट डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पहले बात को समझिए कि यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो आपके पास क्या होगा, इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन, डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा और उसके वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट घटता है। इसी घटे हुए इन्वेस्टमेंट को आप क्राउडिंग आउट इफेक्ट के नाम से जानते हैं। मैं इसको लिख देता हूं। जैसे आपके पास यहां पर है, ध्यान देखिए कि चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका बढ़ा, इसके वजह से इकोनॉमी में आपकी इनकम बढ़ती है, इकोनॉमी की इनकम भी चेंज होती है, राइट। इकोनॉमी की इनकम चेंज होने के वजह से आपके पास ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ता है। सो आपके पास डिमांड फॉर मनी बढ़ता है, यानी मनी डिमांड आपका बढ़ता है। मनी डिमांड बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, इसके वजह से आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के वजह से आपका इन्वेस्टमेंट घटता है। इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट आर इनवर्सली रिलेटेड। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से आपके पास क्या होगा, इसकी वजह से आपके पास इन्वेस्टमेंट, यानी आपके पास इन्वेस्टमेंट घटेगा और इस घटे हुए इन्वेस्टमेंट को हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने बताया कि आप देखिए दो चीज, दो रिलेशनशिप है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा, देखिए ध्यान से यहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा, उसके वजह से आपका इन्वेस्टमेंट घटा, इसे हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट के नाम से जानते हैं। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट बेसिकली होता है इन्वेस्टमेंट का घटना ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब उसका मैं मैकेनिज्म भी आपको बताता हूं एक बार फिर से दोबारा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो मल्टीप्लायर के थ्रू आपका इनकम बढ़ता है, इकोनॉमी का इनकम बढ़ता है तो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ता है। ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के वजह से इन्वेस्टमेंट घटता है, बिकॉज की इन्वेस्टमेंट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड। तो ये पहला कंसेप्ट हो गया आपके पास क्राउडिंग आउट। अब मैं इसका दूसरा बता रहा हूं क्या होता है क्राउडिंग इन। अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं क्राउडिंग इन क्या होता है। अब फिर से इसका अपोजिट है, लेकिन ध्यान से सुनने की बात है। व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब ऐसा कब होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। सो बेसिकली क्राउडिंग इन क्या होता है आपके पास। अब देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बढ़ना, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बढ़ना, आपके ध्यान सुनिए, इनकम को बढ़ाएगा ये, राइट, आपके इनकम को बढ़ाएगा ये। इनकम बढ़ेगा तो आपके पास, ध्यान से समझिएगा चीज को, इसको
इनकम बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा। फाइन, यहां तक बिल्कुल सही है, डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, राइट। मनी डिमांड बढ़ेगा यहां पे, मनी डिमांड बढ़ने से आपका इंटरेस्ट रेट जरूर बढ़ेगा, लेकिन यहां पे इनकम इंक्रीज होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का फंक्शन है। तो यहां पे देखिए ध्यान से कि मनी डिमांड बढ़ा, मनी डिमांड बढ़ने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ा, बट आपके पास यहां इनकम का अफेक्ट ज्यादा है। यानी ध्यान समझिए इसको कि आपके पास आई जो है इन्वेस्टमेंट जो है होता है आई नॉट माइनस बी आर प्लस के वाट। अब देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने के वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना बढ़ा कहीं उससे ज्यादा आपका इनकम बढ़ा है, और ऐसे केसेस में इनकम चूंकि आप पॉजिटिवली रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट से, इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है रादर देन डिक्रीज। मैं आपको फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि ये सिचुएशन ऐसा सिचुएशन है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने की वजह से आपका इनकम बढ़ता है या इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अब उसका मैकेनिज्म समझिए, जब आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ने से आपके पास डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है कि जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है, जब इकोनॉमी अपनी अब बिल्कुल इनिशियल स्टेज में होती है कि बिल्कुल मतलब इनकम एक्सपेंडिचर बहुत सबसे लो लेवल पे होता है, तो उस केस में इनकम का इंपैक्ट ज्यादा हो जाता है। इनकम बढ़ने के वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है रादर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट घटता है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट पे कम होता है देन इनकम बढ़ने का इंपैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सो यहां पे मैं आपको यह बता रहा हूं कि क्राउडिंग आउट एंड क्राउडिंग इन, क्राउडिंग आउट बेसिकली इन्वेस्टमेंट का घटना होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से, वेयर एज आपके पास इन्वेस्टमेंट का बढ़ना, यहां पर मैं इसको कंप्लीट करता हूं, इन्वेस्टमेंट का बढ़ना आपके पास क्या होता है, क्राउडिंग इन होता है, क्राउडिंग इन। यानी आपके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्या देखिए, इन्वेस्ट गवर्नमेंट एक्सपेंड बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट का बढ़ना आपको क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, और ये तब होता है जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है। रिसेशन में का मतलब होता है जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है तो उस केस में इनकम ज्यादा से बढ़ता है देन दैट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए सो दैट की जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नॉलेज मिल जाए। थैंक यू।